उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी दें। लखीमपुर खीरी कांड में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त, ताजा अपडेट आपको दें कि अंकित दास की फॉर्चुनर कार का ड्राइवर शेखर गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के वक्त फॉर्चुनर कार चला रहा था शेखर, कार पलटने पर बुरी तरीके से घायल हुआ था। और लखीमपुर कांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पांडे को जेल भी भेजा जा चुका है। अंकित दास की तलाश में छापेमारी हो रही है। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। विवेक, एक और गिरफ्तारी हो चुकी है, अंकित दास के ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई, कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? इसको लखीमपुर से ही गिरफ्तार किया गया है। शेखर वो आदमी है जो शामिल नहीं था, बल्कि कार को चला रहा था, जो थार जीप के ठीक पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर कार चल रही थी और थार जीप से कुचलने के बाद वो कार भी के साथ चलते हुए आगे गई थी और आगे जाके पलट गई थी। पलटने के बाद आक्रोशित तो आग लगा दी थी। उस कार के ड्राइवर को बड़ी गंभीर हालत में, खून से लथपथ हालत में, बुरी तरह से घायल हुआ था। उसको खून से लथपथ हालत में पुलिस ने भीड़ के बीच से निकाला और उसको एक अलग स्थान पर ले जाकर पूछताछ की। तब उसने बताया था कि गाड़ी में अंकित दास भी मौजूद थे, ऐसी जानकारी। उसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था पूछताछ करते हुए। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके इस मामले में अभी तक ये चौथी गिरफ्तारी है। अभी कार और जीप और एक जो तीन गाड़ियां थी, तीन गाड़ियों में कम से कम 20 से 25 आदमी सवार बताए जा रहे हैं, जो लोग ये सभी आरोपी हैं और इन सभी की गिरफ्तारी करनी है। तो अभी मेरी कुछ अधिकारियों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम इस मामले से जुड़े और प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी भी करेंगे, क्योंकि अंकित दास जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी है, उनका साथी है, वो भी काफिले में मौजूद बताया जा रहा था। ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी फॉर्च्यूनर कार में मौजूद था, लेकिन जब घटना हुई और कार पलट गई तो वो किसी तरह से वहां से भागने में सफल हुआ। उसकी तलाश में भी पुलिस की टीमें दिल्ली और लखीमपुर, लखनऊ से समेत अन्य जनपदों में तलाश कर रही है। तमाम जगह पर दबिश दी जा रही है, पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि शाम तक अंकित दास को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस को उसकी लोकेशन भी मिली है। बिल्कुल, और विवेक, बेहद अहम गिरफ्तारी होगी अंकित दास की, क्योंकि लगातार कई तरीके की बातें उठाई जा रही है। जो घायल किसान थे उन्होंने भी अंकित दास पर आरोप लगाए थे, तो ऐसे में ये गिरफ्तारी बेहद अहम होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कई विभागों की नियमावली में संशोधन भी हो सकता है, इस बात की भी जानकारी है कि कई नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। और 11 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा की जाएगी, कई अहम प्रस्ताव जिनको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। 11 बजे का समय कैबिनेट मीटिंग के लिए तय किया गया है। धामी कैबिनेट की बेहद अहम मीटिंग आज होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और 11 बजे का समय सचिवालय में रखा गया है कैबिनेट मीटिंग के लिए। उपनल कर्मियों के मानदेय पर फैसला संभव माना जा रहा है। इसके साथ साथ परिवहन विभाग के कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा होगी कैबिनेट में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की राहत राशि पर कोई आज फैसला आ सकता है। कई विभागों की नियमावली में संशोधन संभव माना जा रहा है। विनोद इस वक्त मेरे सहयोगी देहरादून से लाइव मौजूद है। विनोद, बेहद अहम मीटिंग कैबिनेट की आज होने जा रही है 11 बजे, कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव जो आज पास हो सकते हैं कैबिनेट से? बिल्कुल जया, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 11 बजे ये कैबिनेट बैठक होने वाली है और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर, फैसलों पर आज सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। अगर सबसे पहले बात करें उपनल कर्मियों के वेतन और नियमितीकरण की फैसले पर भी आज कैबिनेट बैठक में मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। उसके बाद में परिवहन विभाग के तमाम कर्मचारियों की एक लगातार 14 सूत्रीय मांग है, उन पर वो अड़िग है, उसको लेकर भी मंथन आज हो सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो मानदेय है, राहत राशि है, उसको लेकर आज निर्णय कैबिनेट में हो सकता है। और गृह विभाग की कई ऐसी नियमावली है, उनमें आज संशोधन हो सकता है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज सरकार अपनी मोहर लगाएगी और 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जानकारी देंगे आखिरकार सरकार की ओर से कौन कौन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आज अपनी मोहर लगाई जाती है। जी जी,
विनोद आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी जानकारी है अपने दर्शकों को बताएंगे और उसके बाद आपसे हम अपडेट लेंगे। तो बेहद अहम मीटिंग कैबिनेट की आज 11 बजे होने वाली है। आपको एक और बड़ी खबर बताएं पौड़ी से, आज शहीद विपिन सिंह के घर जाएंगे सीएम धामी, शहीद के गांव धारकोट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहीद के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे सीएम। तो आज शहीद विपिन सिंह के घर सीएम धामी जाएंगे, शहीद के गांव धारकोट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहीद के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। सियाचिन में शहीद विपिन सिंह के घर आज सीएम धामी पहुंचेंगे, सुबह 10:15 पाबो ब्लॉक के धारकोट हेलीपैड पहुंचेंगे और 10:25 पर धारकोट गांव में शहीद विपिन सिंह के घर पहुंचेंगे। शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद 10:45 का समय बताया जा रहा है देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। विनोद मेरे सहयोगी लगातार लाइव मौजूद हैं। विनोद, सीएम धामी आज विपिन सिंह के घर पहुंचने वाले हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, कब तक निकलेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी 10:15 का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का पावो ब्लॉक जाने का है जनपद पौड़ी में और उसके बाद जिस तरह से एक बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिली है कि विपिन सिंह का सियाचिन में वो शहीद हो गए हैं, उसको लेकर एक शोक की लहर पूरे प्रदेश में है और आज उनके आवास जाकर परिजनों से मुख्यमंत्री आज मिलने वाले हैं और शोक संवेदना के साथ साथ श्रद्धांजलि भी आज मुख्यमंत्री जो शहीद विपिन सिंह है उनको देंगे और उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे, सांत्वना देंगे। आखिरकार एक देश पर एक शहीद हो गए, जो विपिन सिंह शहीद हुए हैं उसको लेकर मातम जरूर छाया हुआ है, शोक की लहर है और एक ढांढस बधाने के लिए भी मुख्यमंत्री पाबो ब्लॉक विपिन सिंह के घर पहुंचेंगे, सांत्वना देंगे, उनके परिवारजनों से मिलेंगे और सरकार की तरफ से हर सहयोग देने का भरोसा भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद विपिन सिंह के परिवार वालों को देंगे। 10:30 का कार्यक्रम अभी बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और शहीद विपिन सिंह के घर वालों से मिलेंगे और उनका ढांढस बधाएंगे और जिस तरह से एक बुरी खबर सियाचिन में शहीद विपिन सिंह की आई है उसको लेकर पूर्ण रूप से ये कहा जाए जया कि उनका परिवार सदमे में है, दुखी है और लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों से आती है और ये भी एक बड़ी बुरी खबर है कि आखिरकार सियाचिन में उत्तराखंड के रहने वाले विपिन सिंह का वो शहीद हुए हैं और जिसके चलते पूरा परिवार सदमे में है और मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी करीब 10:00 के बाद देहरादून से रवाना होंगे, पाबो ब्लॉक उनके घर आवास पहुंचेंगे और उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनको ढांढस बधाएंगे। जी बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर देहरादून से है, आम आदमी पार्टी ने तेज की चुनावी तैयारी, आपने 8 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है और अब तक 22 विधानसभा चुनाव के प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है, जिन नेताओं को बनाया प्रभारी उन्हें टिकट भी मिल सकता है, इस बात की भी जानकारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 8 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है और अब तक 22 विधानसभा चुनाव के प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है। आपको बताएं जानकारी इस बात की भी है कि जिन नेताओं को प्रभारी बनाया गया है उन्हें टिकट भी मिल सकता है। पंकज राणा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है लेकिन जानकारी इस बात की भी है कि इन लोगों को टिकट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल सकता है। निश्चित तौर पर अजय, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक तकरीबन 22 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है और ये वही लोग हैं जो लगातार विधानसभा अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इनको टिकट देने की भी लगभग 80% संभावना बनती जा रही है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो नवम्बर तक आते आते सभी जो चुनाव की सीट है उन पर प्रभारियों की नियुक्ति कर देंगे और जो भी प्रभारी होंगे अगर वो बेहतर काम कर रहे होंगे तो उनको टिकट भी दिया जा सकता है। तो जो अभी 8 प्रभारियों की सूची तय की गई है उसमें धनोल्टी, राजपुर, ऋषिकेश, मंगलोर, कपकोट, चंपावत और नानकमता इसमें घोषित किए गए हैं। इसके साथ साथ ही आने वाले कुछ दिनों में और भी प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन पंकज, क्या ये लोगों की कमी है या फिर कोई आम आदमी पार्टी की नई रणनीति है, क्या समझ पा रहे हैं आप इसको?
बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी को ये लग रहा है कि चुनाव से पहले का लगभग 3 महीने पहले वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे ताकि जो प्रत्याशी होंगे वो अपने क्षेत्र में अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये प्रभारी के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में रहे और वहां पर पूरी तरह से उन चीजों को देखेंगे, क्या क्या चीजें वहां स्थानीय लोगों की दिक्कतें हैं, किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रभारी के तौर पर एक तरह से कहा सकता है कि टिकट की भी उन्होंने अपनी मजबूती तय कर दी है कि उस क्षेत्र में इन्हीं लोगों को टिकट दिया जा सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक 22 विधानसभा चुनाव के प्रभारियों का ऐलान हो चुका है और माना जा रहा है कि इन तमाम लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया जाएगा। देवभूमि में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और उससे पहले पहाड़ पर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य ने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली है। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। यशपाल आर्य पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री थे और उनके पास 6 अहम विभाग थे जिसमें परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और इसके साथ छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग शामिल थे। इससे पहले कांग्रेस विधायक राजकुमार, निर्दलीय प्रीतम सिंह पवार और निर्दलीय विधायक राम सिंह कैडा ने बीजेपी का दामन थामा था। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आज हमारे नेता, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। वहीं यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी से पार्टी खेमे में भी खुशी की लहर है। यशपाल आर्य पूर्व सीएम हरीश रावत के घर पहुंचे जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत की धर्मपत्नी ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो संजीव आर्य जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा अपने पिता के साथ और हरीश रावत की पत्नी ने तिलक लगाकर दोनों का स्वागत किया। वहीं यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य दुखी हो गई, सुनते हैं उनका बयान। यशपाल आर्य जी बहुत वरिष्ठ नेता थे और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हर प्रकार से सम्मान दिया। उनके सम्मान देने के साथ साथ उनके बेटे को भी टिकट दिया, उनको भी सम्मान दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, उनको बेहतर विभाग भी दिए गए। जैसी उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। आज उनका निर्णय इस प्रकार से आया है तो निश्चित रूप से ये हमको बहुत भौचक करता है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार किन कारणों के से यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए आज पुनः जो है जिस कांग्रेस को वो विभिन्न कमियों के कारण या उपेक्षा के कारण छोड़कर आए थे, आज ऐसी कौन सी बात होगी कि वो फिर से जो है कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में शामिल होने पर कहीं खुशी है तो कहीं गम का भी माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने यशपाल आर्य की वापसी पर बगावती तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर नैनीताल से उन्हें टिकट दिया जाता तो वो पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। और दूसरी तस्वीर आपको खटीमा से दिखा रहे हैं। यहां यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी दिखाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर
बधाई दी है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मेन चौराहे पर आतिशबाजी भी की। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सुनते हैं। पार्टी में स्टैंड उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए, पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे। और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने पार्टी छोड़ने, अगर वो यहाँ पर सिर्फ टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या स्टैंड लेते हैं। पार्टी तो तभी छोड़ूंगी ना, वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और नैनीताल से टिकट अगर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मुझे सोचने के लिए मजबूर और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर भी करूँगी। कांग्रेस में जो एक NHY से लेकर यूथ कांग्रेस, फिर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यशपाल आर्या जी, आज उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है। तो वो खटीमा से 10 साल विधायक भी रहे हैं, तो खटीमा के क्षेत्र के जनता के मैं विशेषतर जो है कि खुशी की लहर है पूरे उत्तराखंड में। कांग्रेस निश्चित रूप से यशपाल आर्या जी की वापसी से जो है मजबूत होगी। तो घर वापसी पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कहीं पर गम का माहौल है तो कहीं पर खुशी का भी इजहार किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें आगे क्या बनेंगी, क्योंकि चुनाव बेहद पास है और ऐसे में देखना होगा कि पार्टी की तरफ से क्या, नेताओं की तरफ से जो बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर आगे की तस्वीरें क्या बनती है, उस पर भी हमारी नजर होगी। देहरादून से आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी पर घमासान दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरक सिंह रावत ने निशाना साधा है, जहां हित होता है उस तरफ निकल जाते हैं यशपाल आर्य। ये बड़ा बयान दिया गया, जहां सत्ता की मलाई दिखती है वहीं चले जाते हैं यशपाल। सरिता आर्य बेहद नाराज दिखाई दी घर वापसी यशपाल आर्य के करने से, और उन्होंने कहा कि जहां पर उन्हें मलाई दिखती है वहीं पर चले जाते हैं। विनोद मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने घर वापसी की, लेकिन कांग्रेस में फूट की स्थिति दिखाई दे रही है, बगावती तेवर सरिता आर्य ने अख्तियार किए। बिल्कुल जया, देखिए जैसे कल यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में घर वापसी हुई है, उसके बाद से ही राजनीतिक सियासी घटनाक्रम में उबाल जरूर है और मिली जुली प्रतिक्रियाएं दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से आ रही है। चाहे वो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, या फिर पूर्व विधायक सरिता आर्य हो, ये तमाम ऐसे नाम है जो लगातार अब बयानबाजी में डटे हुए हैं। रेखा आर्य मान रही है कि इस तरह से कांग्रेस में चले जाना बिल्कुल दुखी करता है, और इस तरह से उनका, अगर वो इस तरह से कांग्रेस में जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल दुखी हूं, और वो उनके साथी भी रहे हैं लेकिन उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। अगर बात करें हरक सिंह रावत की, तो उन्होंने भी मिली जुली प्रतिक्रियाओं में साथ देते हुए कहा है कि यशपाल आर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और विनोद कुल मिलाकर ये कह सकते हैं।